इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 100 साइंस के क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी आई क्यू जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 100 साइंस के क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये 100 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 100 फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्ट हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ द फ्यूज इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्यूज कनेक्ट होता है वो कैसे कनेक्ट होता है? तो आंसर है इसका सीरीज विद लाइव वायर, मतलब जो लाइव वायर होता है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है फ्यूज। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्यूज की, फ्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। इंपॉर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये हमारे सर्किट को बचाता है जब ज्यादा करंट आ जाए हमारे सर्किट में। मैं आपको फ्रेंड फिगर से समझाता हूं। मेनली दो तरह की वायर होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर में हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं फ्यूज को। फ्रेंड्स, सीरीज में कनेक्ट करने से ये होगा, कभी भी इसमें एक्स्ट्रा करंट जब भी सप्लाई होगा तो फ्रेंड्स ये जो फ्यूज होता है ना फ्रेंड्स, ये ब्रस्ट कर जाता है। ब्रस्ट करने से क्या होगा, जो करंट है फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जो फ्यूज होता है फ्रेंड्स, इसका एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये ब्रस्ट कर जाता है और हमारे जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के उनको बचा लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, जो ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होते हैं जिनको हम डिस्क ब्रेक भी बोलते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आंसर इसका पास्कल प्रिंसिपल पे वर्क करता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच रिएक्शन ऑन सन। सन के ऊपर जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस रिएक्शन से होती है? आंसर है इसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा सन के ऊपर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो किस पर्पस के लिए यूज होता है? तो आंसर है इसका स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज, मतलब एसी वोल्टेज को स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है। इस पर्पस के लिए मेनली हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा खंभों के ऊपर एक ट्रांसफार्मर, इस तरह का कुछ ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जाम में आपने फ्रेंड्स क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इसका आंसर है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। यहां पे लिख देता हूं, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो ट्रांसफार्मर होता है इसका फिगर बना के बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी कंपोनेंट ले लो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ले लो, वहां पे फ्रेंड्स कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, यहां पे फ्रेंड्स बीच में इसकी कोर होती है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी कॉइल्स होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं, मतलब अपने ट्रांसफार्मर देखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ विच एलिमेंट। फ्रेंड्स, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया ये उसी फ्यूज वायर की बात हो रही है, और जो फ्यूज वायर होता है फ्रेंड्स वो किसका बना होता है? तो आंसर इसका टिन एंड लेड का एलॉय होता है। फ्रेंड्स, आपको एलॉय की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन अलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट। जो डायरेक्ट करंट होता है जिसको हम डीसी भी बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो इसका आंसर है इसका फ्रीक्वेंसी होती है 0। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसी होता है फ्रेंड्स इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एसी जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 नहीं होती। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे घरों में जो एसी आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स वो होती है 50 हर्ट्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है हमारे घरों में जो एसी आता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई इज। फ्रेंड्स, हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो जो हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है वो किस तरह की बनती है? तो आंसर इसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है हमारे आंखों के अंदर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और ये आई है। ठीक है,
जो मैंने आपको बताया कि जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। मतलब इन्वर्टेड का मतलब फ्रेंड्स क्या होगा, ये उल्टी बनेगी। मतलब देखो आपने ऑब्जेक्ट देखा इस तरह का था और ये हमारे आंखों के अंदर बना है उल्टा, ठीक है। और रियल का मतलब फ्रेंड्स ये होता है जैसी है वैसी ही बनेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। फ्रेंड्स जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आंसर इसका हुक्स लॉ पे वर्क करता है स्प्रिंग बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेव। कौन सा फिनोमिना है जो कि इको ऑफ साउंड वेव पे वर्क करता है, तो आंसर है इसका रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इको की, इको का डेफिनेशन यही होती है रिफ्लेक्शन बैक ऑफ साउंड, ठीक है। तो इको की डेफिनेशन है और इसका जो फ्रेंड्स फिनोमिना होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, व्हाई वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बैग। फ्रेंड्स आपने ये देखा होगा जो हॉट वाटर बैग होता है जो डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं किसी भी बॉडी को अगर पेन हो रहा है वहां पे यूज करने के लिए, तो उसमें हम वाटर ही क्यों यूज करते हैं, तो आंसर है इसका बिकॉज वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। मतलब जो वाटर होता है उसका जो स्पेसिफिक हीट होता है वो काफी ज्यादा होता है, इस कारण से फ्रेंड्स हम हॉट वाटर बैग में वाटर को यूज करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें वाटर की, इसका जो फ्रेंड्स केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं फिजिक्स के। जब आपके फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही 100 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स रिवाइज करने से फ्रेंड्स ये होगा कि सभी के सभी क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। और वीडियो के एंड में दो क्वेश्चन का मैंने टेस्ट भी रखा है फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर स्काई वुड अपेयर। फ्रेंड्स अगर हमारे एटमॉस्फेयर, अगर हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो स्काई है वो कैसा नजर आएगा, तो आंसर इसका ब्लैक कलर का नजर आएगा अगर हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी बनता है आपसे, एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जितने भी फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाएगा कि जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो वो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, स्पेस में जब वो बाहर देखते हैं तो उनको जो स्पेस है आउटर का वो कैसा नजर आता है, तो आपका आंसर होगा ब्लैक कलर का नजर आता है। फ्रेंड्स ब्लैक कलर का नजर आने का कारण भी यही है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। हम अपने घरों में जो वॉशिंग मशीन यूज करते हैं उसका जो फ्रेंड्स वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ताकि जिससे कि उसे कपड़े जो हमारे धुल जाते हैं, तो आंसर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। वह कौन सा डिवाइस होता है जिससे कि हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स उसका डिवाइस का नाम होता है रेक्टिफायर। फ्रेंड्स अगर हम बात करें रेक्टिफायर की, फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्किट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं ना फ्रेंड्स वो डीसी पे वर्क करते हैं, मतलब वो एसी पे वर्क नहीं करते, इसलिए फ्रेंड्स हमेशा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। फ्रेंड्स देखो जितने भी आपके घर में मोबाइल फोन के जितने भी चार्जर होते हैं, ठीक है, आपके घर में फ्रेंड्स जो लैपटॉप का चार्जर हो गया, ठीक है, या फ्रेंड्स जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगे हैं, जैसे कि आपके घर में जो एलईडी लगा है जिस पे आप मूवीज देखते हो, ठीक है, फ्रेंड्स सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ना रेक्टिफायर सर्किट यूज होता है क्योंकि रेक्टिफायर ही है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स आपके घर में जो मोबाइल फोन का जो चार्जर है ना परफेक्ट एग्जाम्पल है रेक्टिफायर का, मतलब ये रेक्टिफायर सर्किट ही होता है जो आपके घरों में मोबाइल फोन का चार्जर होता है, तो मतलब फ्रेंड्स आप इमेजिन कर सकते हो रेक्टिफायर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, आंसर इसका पार्सेक। जो पार्सेक है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब पिछले साल के एग्जाम में यही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं अगला एग्जाम आप जो भी देने जाओगे फ्रेंड्स आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स देखो इसमें मैं आपको भी 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा फिजिक्स के, जब आपकी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको फिर 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा फिजिक्स के, जब 250 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे फिजिक्स के फिर मैं आपको 1000 क्वेश्चंस करवाऊंगा फिजिक्स के। मतलब फ्रेंड्स अगर आपने ये 1350 क्वेश्चंस कर लिए ना एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलने वाला आपके एग्जाम में। मतलब फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक क्वेश्चन चुन चुन के ला रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का लेते हैं, कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। फ्रेंड्स जो घरों में हम कूलर यूज करते हैं उसमें जो फ्रेंड्स कूलिंग होती है वो किस प्रिंसिपल से होती है, तो आंसर इसका एवेपोरेटिव कूलिंग, मतलब एवेपोरेटिव कूलिंग इसका प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, इन विच प्रोसेस डायोड्स आर जनरली यूज्ड फॉर, मींस किस पर्पस के लिए डायोड्स होते हैं वो हम यूज करते हैं, तो आंसर इसका रेक्टिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं डायोड्स। फ्रेंड्स अगर हम बात करें डायोड की, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। फ्रेंड्स जो डायोड होता है फ्रेंड्स एक यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस होता है, लिख देता हूं यहां पे, यूनिट डायरेक्शनल कंपोनेंट बोल लो या आप
यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है ये, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। डायोड्स की हेल्प से ही ना हम रेक्टिफायर बनाते हैं। जो फ्रेंड डायोड होता है उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। डायोड का यहाँ पे होता है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे होता है नेगेटिव टर्मिनल। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो डायोड होता है और एक होता है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। फ्रेंड्स फ़र्क ये होता है कि जो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस होता है ना, ये बाई डायरेक्शन होता है, मतलब कि आप किसी भी तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हो, मतलब पॉजिटिव वाला यहाँ भी जोड़ सकते हो, चाहे आप यहाँ जोड़ लो, मतलब किसी भी तरह से जोड़ सकते हो। लेकिन जो डायोड होता है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि जो मतलब ये जो करंट फ्लो करता है इसमें सिर्फ पी से एन में ही करता है। मतलब फ्रेंड्स आप इस जगह पे सिर्फ आपको पॉजिटिव ही कनेक्ट करना है और इस जगह पे आपको सिर्फ नेगेटिव ही कनेक्ट करना है, मतलब उल्टा कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उल्टा कनेक्ट करोगे फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है, मतलब ये जो डायोड है, ये आपका ब्रस्ट कर जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। द रेडनेस इन एटमोसफेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू विच फिनोमिना। फ्रेंड्स आपको बताएं, जब भी सूरज निकलता है या जब सूरज डूबता है, उस टाइम जो सूरज है हमेशा लाल कलर का नजर आता है, इसका रीजन क्या है? तो आंसर इसका ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका फिनोमिना होता है कि जो सनराइज जो सन है वो सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे लाल कलर का नजर आता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। फ्रेंड्स वो कौन सा फिनोमिना होता है, कभी भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आंसर इसका ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण कभी भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं। पहला केस अराइज ये होगा कि लाइट कभी भी अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ जाए। दूसरा केस होता है फ्रेंड्स, लाइट कभी भी डेंसर से रेयर की तरफ जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसर से रेयर की तरफ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। रेयर मीडियम का मतलब होता है हल्का मीडियम, डेंसर मीडियम का मतलब होता है भारी मीडियम। रेयर मीडियम का फ्रेंड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। रेयर मीडियम जो होता है इसका जो फ्रेंड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो हमेशा कम होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और जो फ्रेंड्स डेंसर मीडियम होता है उसका जो फ्रेंड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स इसमें जब ये दो केस राइज होंगे तो इसमें फ्रेंड्स जो कंडीशंस बनेंगी वो ये बनेंगी, राइट कभी भी जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये हमेशा बैंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी भी लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये बैंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे लिख देता हूँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बैंड करेगा, ठीक है। और कभी भी लाइट अगर डेंसर मीडियम से मतलब भारी मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, जो फ्रेंड्स लाइट होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगा, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट बैंड करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। फिर जितनी भी आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं, इस पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव इज 25:9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। फ्रेंड्स हमें गिवन क्या है कि जो इंटेंसिटी रेशियो है किसी भी वेव का वो 25:9 है, तो उसका एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होगा? तो आंसर इसका 5:3 होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। फ्रेंड्स हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्केयर के, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें गिवन क्या है, इंटेंसिटी गिवन है, मतलब हमारे पास यहाँ पे गिवन कितना है, इंटेंसिटी वन कितना है 25, इंटेंसिटी टू कितना है 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखो I1 / I2 निकालते हैं। फ्रेंड्स ये कितना होगा, ये होगा a² / a² मतलब ये इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो वैल्यू पुट करने में फ्रेंड्स क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आएगा 25/9 इज इक्वल टू a² / a² ठीक है। फ्रेंड्स जब ये स्केयर इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a² / a² इज इक्वल टू, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। व्हाई द चॉक इन फ्लोरोसेंट लैंप इज यूज। फ्लोरोसेंट लैंप में हम चॉक को क्यों यूज करते हैं? तो आंसर है इसका डिक्रीज द करंट फ्लो, मतलब जो चॉक होता है फ्लोरोसेंट लैंप में ये करंट फ्लो को डिक्रीज कर देता है, इसलिए फ्रेंड्स हम चॉक यूज करते हैं फ्लोरोसेंट लैंप में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म। वह कौन से कलर का लाइट है जो कि प्रिज्म से सबसे कम डेविएट करता है? तो आंसर इसका रेड कलर का जो लाइट होता है फ्रेंड्स वो प्रिज्म से सबसे कम डेविएट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रिज्म की, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। फ्रेंड्स प्रिज्म कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक है,
कभी भी यहाँ से जब लाइट पास करेगा, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सात कलर में टूटता है, ठीक है। सात कलर फ्रेंड्स होते हैं विवग्योर, VIBGYOR, मतलब फ्रेंड्स ये सेवन कलर हैं। जो पहला कलर है फ्रेंड्स वो है वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है फ्रेंड्स इंडिगो, बी का मतलब होता है फ्रेंड्स ब्लू, जी का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और आर का मतलब होता है रेड। मतलब फ्रेंड्स ये सेवन कलर में टूटता है हमेशा लाइट, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म, मतलब सबसे प्रिज्म से में सबसे कम डेविएट कौन सा लाइट होता है, तो आपका आंसर होगा रेड। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि कौन सा कलर का जो लाइट होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, तो आपका आंसर होगा वायलेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये भी। क्वेश्चन 22 को लेते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर इज कॉल्ड, फ्रेंड्स व्हाइट लाइट का डिफरेंट कलर में टूटना, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको करवाया कि जो व्हाइट लाइट है ये सेवन कलर में टूटा है, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रिंसिपल को ही ना हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर भी था। क्वेश्चन 23 कर लेते हैं, टेस्ला इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, फ्रेंड्स जो टेस्ला है ये किस क्वांटिटी की यूनिट है, तो आंसर है इसका मैग्नेटिक इंडक्शन। और फ्रेंड्स ऑप्शन में अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया हो वो भी सही है, मतलब जो टेस्ला है वो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। क्वेश्चन 24 कर लेते हैं, बाय विच प्रिंसिपल व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड विगरसली द क्रीम फ्रॉम इट सेपरेटेड आउट, फ्रेंड्स वो कौन सा प्रिंसिपल होता है, जब भी जो दूध होता है उसको मथा जाता है उससे जो क्रीम होता है वो बाहर निकल जाता है, तो आंसर है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो क्रीम है वो मिल्क से अलग हो जाता है। क्वेश्चन 25 कर लेते हैं, डायोप्टर इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, फ्रेंड्स जो डायोप्टर है वो किस क्वांटिटी की यूनिट है, तो आंसर है इसका पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की यूनिट है डायोप्टर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स मैं आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर कंपिटेटिव एग्जाम में 50 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे, और आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन 26 कर लेते हैं, इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम अपेयर्ड एज, फ्रेंड्स जो फिलामेंट टाइप जो लाइट बल्ब होता है उसमें जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक पावर होता है वो किस में कंज्यूम हो जाता है, तो आंसर इसका इंफ्रारेड रेज में कंज्यूम हो जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको फिगर से समझाता हूं, फ्रेंड्स कोई भी फिलामेंट जो बल्ब होता है कुछ इस तरह का बल्ब होता है, ठीक है, फ्रेंड्स यहां पे जो फिलामेंट लगा होता है ना ये गर्म होता है, ठीक है, और कोई भी गर्म चीज से फ्रेंड्स जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, लाइट एनर्जी तो निकल ही रही है बट कोई भी जो गर्म चीज होती है, ठीक है फ्रेंड्स, उससे जो रेज निकलती है वो इंफ्रारेड रेज निकलती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंफ्रारेड रेज निकलती है किसी भी गर्म चीज़ से, तो फ्रेंड्स ये फिलामेंट काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और इससे इंफ्रारेड रेज निकलती है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन 27 कर लेते हैं, व्हेन टू सेमीकंडक्टर्स ऑफ पी एंड एन टाइप्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट दे फॉर्म पी एन जंक्शन विच एक्ट एज, फ्रेंड्स कोई भी सेमीकंडक्टर होता है जैसे पी सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, इसको जब हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो पी एन जंक्शन फॉर्म होता है, तो वो क्या होता है, तो आंसर है वो रेक्टिफायर होता है, ठीक है। क्वेश्चन 28 कर लेते हैं, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल, फ्रेंड्स जो ओम्स लॉ है वो किस टाइप के मटेरियल के लिए वैलिड होता है, तो आंसर इसका कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कंडक्टर की, इसकी डेफिनेशन होती है ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, यहां पर लिख देता हूं मटेरियल विच पासिस इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 30, वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, फ्रेंड्स जो स्टील है वो रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक क्यों है, तो आंसर इसका बिकॉज इट इज़ डिफॉर्म्ड वेरी इजिली। फ्रेंड्स मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि स्टील और रबड़ में सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टील जो है वो रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में बनता है। और सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, मतलब स्टील रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक क्यों है, तो उसका आंसर है बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड वेरी इजिली, मतलब फ्रेंड्स कभी भी हम स्टील को जब स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रबड़ से ज़्यादा जल्दी आ जाता है, इस कारण से फ्रेंड्स जो स्टील है ना इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है रबड़ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपने देखा होगा कि जो आपकी जो बाइक्स होते हैं, ठीक है, कोई भी बाइक होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सॉकर्स लगे होते हैं ना वो स्टील के बने होते हैं, स्टील के बने हुए कारण फ्रेंड्स इसलिए कारण ये है कि फ्रेंड्स जो स्टील है इसका इलास्टिक ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रेंड्स जो सॉकर्स होते हैं ना वो हमेशा स्टील के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन रेडियो कम्युनिकेशन द सिग्नल एमिटेड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना आर रिफ्लेक्टेड बाय विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, फ्रेंड्स रेडियो कम्युनिकेशन में जो एंटीना सा जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है निकलता है वो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर से रिफ्लेक्ट होता है, तो आंसर है इसका एटमॉस्फेयर का जो फ्रेंड्स आयनोस्फेयर लेयर होता है वहां से रिफ्लेक्ट होता है। फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ फिगर से समझाता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए फिगर बनाया, अब हम फिगर से समझते हैं। फ्रेंड्स ये देखो, ये एंटीना है, यहाँ से जो फ्रेंड्स सिग्नल ट्रांसमिट होगा और ये जो
एटमोसफेयर का जो फ्रेंड्स लेयर है आइनोस्फेयर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे एंटीने को रिसीव हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये रिफ्लेक्शन करता है एटमोसफेयर का आइनोस्फेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 का लेते हैं, व्हाई द आउटसाइड सरफेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली लेफ्ट ब्लैक। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं उनका जो आउटर सरफेस होता है ना, मतलब नीचे वाला सरफेस जो होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का होने के कारण फ्रेंड्स क्या होता है, जो ब्लैक कलर होता है फ्रेंड्स वो हीट को बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्व करता है। तो हमारा आंसर है बिकॉज ब्लैक सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। फ्रेंड्स जो फोटोन है वो किसकी फंडामेंटल यूनिट है, तो आंसर इसका लाइट की यूनिट है फोटोन। क्वेश्चन नंबर 34 का लेते हैं, वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन लेसर टाइम बाय एडिंग अ पिंच ऑफ साल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज। फ्रेंड्स जो सब्जियां होती हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा नमक मिला दो तो फ्रेंड्स जो सब्जी होती है वो जल्दी बन जाती है, उसका रीजन क्या होता है, तो आंसर है इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। फ्रेंड्स नमक मिलाने से क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स जो सब्जियां हैं वो जल्दी बन जाती है अगर उसमें हम नमक मिक्स करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो पिछले साल के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। क्वेश्चन 35 कर लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसकी यूनिट कितनी क्या होती है, तो आंसर है इसका इट हैज़ नो यूनिट, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए फ्रेंड्स रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। फ्रेंड्स जो 1 नैनोमीटर होता है उसकी मीटर में कितनी वैल्यू होती है, तो आंसर है इसका 10^-9 मीटर वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर की। अगर फ्रेंड्स आपसे 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू पूछी जाए तो वो होगी 10^-6 मीटर। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन 37 कर लेते हैं, द ग्रुप ऑफ सोलर सेल ज्वाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। फ्रेंड्स जो सोलर सेल को हम जब ग्रुप में ज्वाइन करते हैं डेफिनेट पैटर्न में, उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका सोलर सेल पैनल बोलते हैं, जब ग्रुप ऑफ सोलर सेल आपस में ज्वाइन हो डेफिनेट पैटर्न में। फ्रेंड्स आपने देखा होगा घर के जो छत के ऊपर आपने कुछ इस तरह का पैनल देखा होगा सोलर का, ठीक है, इस तरह का पैनल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इस यहाँ इसके स्टैंड होते हैं, यहाँ से फ्रेंड्स जो हीट होती है ना, मतलब लाइट एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे फॉल करती है, ठीक है, लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच म्यू से। और फ्रेंड्स ये जो लाइट एनर्जी होती है ना, ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब फ्रेंड्स ये इसका मेन काम होता है सोलर पैनल का, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में सोलर सेल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं, व्हाट इज द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे एमिशन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स जो एक्सरे एमिशन होता है इसका जो रिवर्स इफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इसका उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये रिवर्स इफेक्ट है एक्सरे एमिशन का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है जो एक्सरे होता है इसमें एक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है अननोन रेडिएशन। यहाँ पे लिख देता हूँ, अननोन रेडिएशन मतलब होता है एक्स का। क्वेश्चन 39 कर लेते हैं, क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट डिपेंड अपॉन। फिर जो म्यूजिकल नोट होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो आंसर इसका हार्मोनिक प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं, वाई द कॉपर वायर्स आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इंस्टेंट ऑफ आयरन वायर। फ्रेंड्स हम कभी भी बिजली को जो ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि जो हमारे घरों में जो तारें होती हैं बिजली की वो हमेशा कॉपर की बनी होती है, उसको हम लोहे का क्यों नहीं बनाते हैं, तो उसका आंसर है बिकॉज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन आयरन। मतलब कॉपर में जो फ्रेंड्स कंडक्टिविटी होती है बिजली की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है अगर हम उसको आयरन से कंपेयर करें तो। और फ्रेंड्स जो कॉपर होता है इसकी जो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस होती है वो भी कम होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस कम होती है इसकी और इसमें जो कंडक्टिविटी होती है बिजली की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। क्वेश्चन 42 का लेते हैं, ऑन अ कोल्ड डे द मेटेलिक कैप ऑफ अ पैन बिकम्स मच कोल्डर देन प्लास्टिक बॉडी दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर। फ्रेंड्स आपने देखा होगा ठंड के टाइम पे जो हमारा पैन होता है ना, पैन की जो फ्रेंड्स जो टिप होती है मेटल की ये ज़्यादा ठंडी होती है, बट जो प्लास्टिक वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स वो ठंडा नहीं होता है, इसका कारण क्या होता है, तो फ्रेंड्स का आंसर है क्योंकि फ्रेंड्स जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इस कारण से जो जो मेटेलिक वाला पार्ट होता है वो ठंडा रहता है। क्वेश्चन 42 कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्ट बाय विच मटेरियल। फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो आंसर इसका सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 43 कर लेते हैं, विच मिरर इज यूज इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट। फ्रेंड्स आपकी जो बाइक हो गई या आपका आपकी स्कूटी हो गई या जितनी भी कार्स या ट्रक हो गए वहाँ पर जो फ्रेंड शीशा लगा होता है पिछली गाड़ी को देखने के लिए, वो कौन से तरह का शीशा होता है, तो आंसर इसका वो कन्वेक्स मिरर होता है।
क्वेश्चन 44 का लेते हैं, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है, तो आंसर इसका टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का लेते हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम। फ्रेंड्स अर्थ का वह कौन सा जगह है जहां पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर है इसका एट पोल्स। क्वेश्चन 46 का लेते हैं, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट विच रेडिएशन। फ्रेंड्स जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं जैसे आपका हीटर हो गया या बल्ब हो गया, जो भी गर्म चीज़ें होती हैं वहाँ से कौन सी रेज निकलती है, तो आंसर इसका इंफ्रारेड रेज निकलती है हॉट ऑब्जेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं, नेम द फोर्स विच मेक अ व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इज कॉल्ड। फ्रेंड्स वो कौन सी फोर्स होती है, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं अपनी गाड़ियों में या स्कूटर या मोटरसाइकिल में, तो जो ब्रेक लगाने से फ्रेंड जो फोर्स होती है उसका नाम क्या है जिसे गाड़ी रुक जाती है, तो आंसर है उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 48, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एसोसिएटेड विद द इफेक्ट ऑफ। फ्रेंड जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो आंसर इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट से जुड़ा हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं, एट विच पॉइंट वे टोटल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज नोन एज। फ्रेंड्स वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल जो मास होता है बॉडी का वो कंसंट्रेट होता है, तो आंसर इसका इसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेसिक्स एसआई यूनिट्स। टोटल मिला के कितनी एसआई यूनिट्स हैं, तो आंसर इसका टोटल मिला के 7 एसआई यूनिट है। फ्रेंड्स ये जो 7 बेसिक एसआई यूनिट है यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड्स ये 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं, एक है लेंथ, सेकंड है टाइम, थर्ड है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ है मास, सेवन्थ है इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स इसकी जो यूनिट होती है वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फ्रेंड्स जो लेंथ होती है इसकी यूनिट होती है मीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड्स जो टाइम होता है इसकी यूनिट होती है सेकंड, और फ्रेंड्स जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है इसकी यूनिट होती है मोल, और फ्रेंड्स जो टेम्परेचर होता है इसकी यूनिट होती है केल्विन। फ्रेंड्स इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जो लुमिनस इंटेंसिटी होता है इसकी यूनिट होती है कैंडेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और फिर जो मास है इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और फिर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसकी यूनिट होती है एम्पेयर। मतलब फ्रेंड्स ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। 51, वाई द कलर ऑफ ओशन अपेयर्स टू बी ब्लू। समुद्र का जो पानी होता है वो ब्लू कलर का नजर क्यों आता है, तो आंसर इसका ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण समुद्र का पानी ब्लू कलर का नजर आता है। क्वेश्चन में 52 का लेते हैं, वेयर इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसाइड्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर। कोई भी जो चार्ज कंडक्टर होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होता है वो कहाँ रिसाइड करता है, मतलब कहाँ पर होता है, तो आंसर इसका आउटर सर्फेस ऑफ द बॉडी। मतलब जो चार्ज कंडक्टर का जो आउटर सर्फेस होता है उसके ऊपर होता है चार्ज। क्वेश्चन 53 का लेते हैं, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। विजिबल स्पेक्ट्रम में वह कौन सा कलर है जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, सबसे कम होता है, तो आंसर इसका वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे लेता हूँ, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आंसर इसका ओम मीटर जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आपने बताना है ओम मीटर होता है। एग्जाम में फ्रेंड्स ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 55 का लेते हैं, व्हाट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम मॉडरेटर कौन सा यूज करते हैं, तो आंसर इसका ग्रेफाइट हम यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में। फ्रेंड्स अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की, न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्रेंड्स मेनली काम क्या होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करता है कंट्रोल्ड वे में। यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज टू स्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन कंट्रोल्ड वे। और फ्रेंड्स जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन 56 कर लेते हैं, हाउ द गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और अगर उसमें हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आंसर इसका अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। फ्रेंड्स अगर ये गैल्वेनोमीटर डिवाइस है, इसके सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस लगा लेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो कंप्लीट सर्किट होगा ना ये वोल्टमीटर का काम करेगा। और यही हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
और फ्रेंड्स अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर डिवाइस की, फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर डिवाइस का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी सर्किट में ये जो स्मॉल करंट्स होते हैं उसको मेजर करता है, और जो वोल्टमीटर होता है फ्रेंड्स ये वोल्टेज को मेजर करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। इफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ वेसल मेल्ट्स द वाटर लेवल इन द वेसल विल बी। फ्रेंड्स अगर किसी भी वेसल के अंदर, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, अगर फ्रेंड्स ये वेसल है ठीक है, इसके अंदर फ्रेंड्स आइस का कोई पीस पड़ा हुआ है, अगर ये आइस का पीस के अंदर फ्लोट कर रहा है, अगर इसका पीस जब ये पीस पिघल जाएगा तो जो पानी का लेवल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर इसका डज नॉट चेंज, मतलब अगर बर्फ पिघल भी जाएगा तो फ्रेंड्स जो वाटर का जो लेवल होगा वो एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ बार मैग्नेट इज कट इन लेंथ वाइज इन टू थ्री पार्ट्स व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल्स विल बी, तो आंसर इसका 6। फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स अगर कोई भी हमारा बार मैग्नेट है, जैसे हमारा बार मैग्नेट है, इसमें दो पोल्स होते हैं साउथ और नॉर्थ, ठीक है, इसमें कितने पोल्स हुए, मतलब एक बार मैग्नेट में दो पोल्स हो गए ठीक है, साउथ और नॉर्थ। इन्होंने हमें ये कहा कि इसको अगर हम तीन पीस में काट देते हैं, मतलब एक पीस ये दो पीस, मतलब ये तीन पीस हो गए ठीक है। जब फ्रेंड्स इसको हम तीन पीस में काटेंगे ना, मतलब ये तीन पीस बन गए ऐसे, एक दो तीन, मतलब इसका इसका क्या पोल हुआ, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, मतलब कितने हो गए फ्रेंड्स ये, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब छः पोल्स हो गए अब, मतलब तीन पीस पे हम काटेंगे इसको, तो मैंने भी यहाँ पे छः ही लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन आंसर इसका स्ट्रेट लाइन, मतलब जो लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि लाइट क्या होता है, तो आपका आंसर होगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चंस बनते हैं लाइट के ऊपर। आपसे पूछा जाएगा लाइट कैसे ट्रैवल करता है, आपने बताना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। आपसे पूछा जाएगा लाइट क्या होता है, तो आपने बताना लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम के अंदर वो किस चीज़ का बना होता है, तो आंसर इसका न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि एटम के अंदर क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मतलब एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, मतलब ये तीन चीज़ें होती है एटम्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एटम्स के अंदर ये तीन चीज़ें होती है। अगर बात जब आपकी न्यूक्लियस की आती है, तो फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो प्रोटॉन्स होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है, तो आपने ध्यान रखना है प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, और जो फ्रेंड्स ये होता है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपने ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन 61 कर लेते हैं। वन बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच लीटर। फ्रेंड्स जो वन बैरल जो होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है, तो आंसर इसका 159 लीटर के बराबर होता है वन बैरल। क्वेश्चन 62 कर लेते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ द ओशन, किसी भी समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है, तो आंसर इसका फैदोमीटर का प्रयोग होता है किसी भी समुद्र की गहराई को नापने के लिए। क्वेश्चन 63 कर लेते हैं। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है नेचर का, तो आपने ध्यान देना है जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपसे एग्जाम फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर, वह कौन सा मीडियम है जिसमें साउंड सबसे तेज चलता है, तो आंसर इसका सॉलिड मीडियम में जो साउंड होता है वो सबसे तेज चलता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं। व्हाई डज लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम अ स्पेरिकल शेप, फिर जो लिक्विड का ड्रॉप होता है या आप बोलो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं, तो आंसर इसका टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन, या आपको ऑप्शन में ये भी दिया होता है कि सरफेस टेंशन के कारण जो लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं वो गोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मैग्नेट इज, डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट के अंदर, तो आंसर इसका साउथ टू नॉर्थ होती है। फ्रेंड्स मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप ये बार मैग्नेट लेते हो, दो पोल्स होते हैं इसमें, एक साउथ पोल होता है एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। जो अगर मैग्नेट के अंदर बात करते हैं जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो साउथ टू नॉर्थ होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मैग्नेट के बाहर बात करते हो फ्रेंड्स, वो डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी। ये आपने ध्यान रखना है, मतलब अंदर होगी साउथ टू नॉर्थ, बाहर होगी नॉर्थ टू साउथ।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे फ्रेंड, दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंदर क्या होगी साउथ टू नॉर्थ, बाहर क्या होगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। क्वेश्चन 67 कर लेते हैं, फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम। फ्रेंड जो फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये कब होता है? तो आंसर इसका, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। क्वेश्चन 68 कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो आंसर इसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। फ्रेंड जो मोटर आपने देखा होगा, चाहे पानी का मोटर ले लो, चाहे ड्रिल मशीन ले लो, चाहे आप कोई भी मोटर ले लो, ठीक है, मोटर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स के दो टर्मिनल्स होते हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स रोटर लगा होता है, ठीक है, चाहे फैन की बात कर लो, ठीक है, कुछ इस तरह का लगा होता है। फिर जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, मतलब आपने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देने से ये चीज़ ना घूमनी शुरू हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में, या आप बोल लो रोटेशनल एनर्जी में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन 69 कर लेते हैं, न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट। फ्रेंड जो न्यूक्लियर साइज होता है वो किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? तो आंसर इसका, फर्मी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है न्यूक्लियर साइज। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन। वह कौन सा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर, सन का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है? तो आंसर इसका, पायरोमीटर डिवाइस का यूज होता है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा डिवाइस है जिससे कि हम हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो आपका आंसर भी यही होगा, पायरोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सडन फॉल इन रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज एन इंडिकेशन ऑफ। जो बैरोमीटर होता है जिससे कि हम एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, अगर उसकी रीडिंग में सडन फॉल आए, मतलब सडन गिरावट आए, तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? तो आंसर इसका, स्ट्रॉम का इंडिकेशन होता है, मतलब तूफान आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट विजन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। फ्रेंड्स आपको बता होना चाहिए कि मायोपिया क्या होता है। फ्रेंड्स मायोपिया एक आंखों की बीमारी है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो पर्सन को ना पास की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। मैंने आपको क्या बताया कि मायोपिया की बीमारी में क्या होगा, किसी भी पर्सन को पास की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, मतलब वो अच्छे से पढ़ सकेगा लेकिन उसे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर है, कनकेव लेंस को हम यूज़ करते हैं मायोपिया की बीमारी में, जो कि आंखों की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं, विच मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें किस मटेरियल का यूज़ होता है? तो आंसर इसका, नाइक्रोम का यूज होता है इलेक्ट्रिकल हीटर में। या फ्रेंड जो हमारे घरों में प्रेस होता है, जैसे हम कपड़े प्रेस करते हैं, या गीजर बोल लो, उसमें भी नाइक्रोम का ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फिजिक्स का, एडिशन ऑफ सुटेबल इंप्योरिटीज इनटू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। फ्रेंड सेमीकंडक्टर में जब हम इंप्योरिटी मिक्स करते हैं ताकि उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? तो आंसर है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉपिंग। डॉपिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी मिक्स करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़े, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं, व्हाई आर मेटल्स आर गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेटल होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इससे हीट पास कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी इससे पास कर जाता है, तो इसका रीजन क्या है? तो आंसर इसका, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारा आंसर हुआ दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी कारण से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय इंपैक्ट ऑफ। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्रेंड्स आपने स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब FUSION इसकी स्पेलिंग है, और ये है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसकी स्पेलिंग है FISSION। और फ्रेंड्स ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है इसको हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, सन पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे लिखता हूँ, सन पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण होती है, ठीक है, ये सेपरेट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये था कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय इंपैक्ट ऑफ, मतलब स्टार्टेड बाय इंपैक्ट ऑफ, मतलब फ्रेंड्स जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो कैसे स्टार्ट होता है? तो आंसर इसका, न्यूट्रॉन्स के इंपैक्ट से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स यहां पे मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके लिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन लिखा है और मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यूरेनियम यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे यूरेनियम लिखा है, इसमें हम न्यूट्रॉन को हिट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय इंपैक्ट ऑफ, मतलब हम इसमें किसका इंपैक्ट करवाते हैं, न्यूट्रॉन का इंपैक्ट करवाते हैं। ये मैंने न्यूट्रॉन का इंपैक्ट किया यूरेनियम में, जब मैंने न्यूट्रॉन का इंपैक्ट किया यूरेनियम में फ्रेंड्स दो प्रोडक्ट मिले हमें, बेरियम और क्रिप्टॉन। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चीज़ ध्यान देना, हमें प्रोडक्ट मिला बेरियम और क्रिप्टॉन, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखना यहाँ पे एक न्यूट्रॉन था, एक का यहाँ पे तीन हो गया,
ठीक है, एक का 3 हुआ, फिर फ्रेंड्स जो आगे रिएक्शन होगा ना वो 3 का 9 होगा, फिर 9 का 27 होगा, मतलब फ्रेंड्स ये आगे ऐसा ही बढ़ता जाएगा और चेन बनता जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए हम इस रिएक्शन को चेन रिएक्शन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। और जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो न्यूट्रॉन के इंपैक्ट से स्टार्ट होता है, मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ भी कर दिया रिएक्शन लिख के, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क्स, मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा जो मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। और मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है म्यूचुअल इंडक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, तो आंसर इसका ऑल्टीमीटर का यूज होता है एयरक्राफ्ट में एल्टीट्यूड को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रेंड्स किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, तो आंसर है इसका स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाया था, जो न्यूमेरिकल करवाया था ना मैंने आपको 25:9 वाला, ठीक है, जिसका आंसर आया था 5:3 फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं यही फॉर्मूला यूज हुआ था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं, द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, फ्रेंड्स हमारे घरों में जो फ्रिज होता है उसमें जो हम कूलेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, तो आंसर इसका फ्रियोन यूज होता है, फ्रेंड्स जो फ्रियोन होता है उसको हम CFC भी बोलते हैं, मतलब क्लोरो फ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोरो फ्लोरो कार्बन। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि फ्रिज में वह कौन सा मतलब सब्सटेंस होता है जिसके कारण जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है, तो आंसर है फ्रिज में होता है फिरोन, यही फ्रेंड्स इसी कारण जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज, नॉइज को मेजर करने के लिए क्या कौन सी यूनिट यूज होती है, तो आंसर इसका डेसिबल यूनिट यूज होती है मेजरमेंट करने के लिए नॉइज को। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, फिर हीट का ट्रांसफर होना हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को उसे हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं, चौक यूज्ड इन अ टॉप ट्यूबलाइट इज बेसिकली, फ्रेंड्स ट्यूबलाइट में जो हम चौक यूज करते हैं वो बेसिकली क्यों यूज करते हैं, तो आंसर इसका फ्रेंड्स वो एक इंडक्टर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी वाटर का किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं, व्हेन अ शिप एंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन शिप, फ्रेंड्स कभी भी जहाज ना अगर समुद्र में एंटर करता है नदी से तो उसके उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आंसर इसका इट राइजेस अ लिटल, मतलब जो शिप है वो थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय कलर ऑफ स्टार, फ्रेंड जो स्टार में देखा होगा कि जो रात में जो तारे होते हैं उनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग रंग के होते हैं, वो किस कारण से होते हैं, तो आंसर इसका ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ही बताता है फ्रेंड्स कि कौन सा स्टार कौन से कलर का है। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं, हर्ट्स इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द, फ्रेंड जो हर्ट्स है वो किसकी यूनिट है, तो आंसर इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स की यूनिट है हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं, फ्यूज वायर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल, फ्रेंड्स हम अपने किसी भी सर्किट को कम बचाने के लिए हम फ्यूज वायर यूज करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आंसर इसका लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है और जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है वो भी बहुत कम होती है ताकि उसमें से इजिली करंट पास कर जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं, अ बॉम्ब एक्सप्लोर्स ऑन द मून वी हियर इट्स साउंड ऑन अर्थ आफ्टर हाउ मच टाइम, फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मून के ऊपर कोई बम फूटता है ठीक है तो वो हमें कितनी देर के बाद सुनाई देगा अर्थ के ऊपर, तो आंसर है इसका वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, मतलब हमें उसकी धमाके की आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। फ्रेंड्स का रीजन ये है क्योंकि जो साउंड होता है ना फ्रेंड्स इसको चलने के लिए ना मीडियम चाहिए ठीक है, लेकिन जो मून है मतलब जो चांद है उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, इस वजह से फ्रेंड जो साउंड है ना वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये इसका रीजन था, मतलब वी कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ एक्सपोजर, मतलब हमें धमाके की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। नंबर 90 कर लेते हैं, व्हाई द सन अपीयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट, तो आंसर है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे देता हूँ स्कैटरिंग ऑफ
लाइट. क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं. कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स इन. फ्रेंड्स, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना वो कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका बैटरी में होता है. फ्रेंड्स, हमारे जो मोबाइल फोन की बैटरी होगी या अपने घर में जो हम इन्वर्टर लगाते हैं, फिर वो जो बैटरी होती है ना, उस बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है. मतलब केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो जो केमिकल एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो यही हमसे पूछा गया था, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है बैटरी में. और फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 90 करवाया ना मैंने आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर दिया हुआ था, बिकॉज ऑल अदर कलर स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड. मतलब कि रेड के अलावा जितने भी कलर होते हैं ना फ्रेंड्स, वो स्कैटर हो जाते हैं और रेड कलर वहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाता है. इस कारण से फ्रेंड्स, जो सन है, मतलब जब भी सूरज निकलता है या सूरज छुपता है, जो सन है ना, वो हमें लाल कलर का नजर आता है. क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं, 91 करवा दिया मैंने आपको, 92 कर लेते हैं. वर्किंग ऑफ एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. जो एटम बम है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आंसर है इसका, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे वर्क करता है एटम बम. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 93 कर लेते हैं, ऑन विच प्रिंसिपल द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इनटू ऑप्टिकल फाइबर. फ्रेंड्स, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, उस वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आंसर है इसका, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर. क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं, 0 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू. फ्रेंड्स, जो 0 डिग्री केल्विन है वो किसके बराबर होता है? तो आंसर है इसका, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 0 डिग्री केल्विन. क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई को, मतलब हमें अगर कोई चीज क्लियर देखनी है तो लीस्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए हमारे आंखों से? तो आंसर इसका, 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए कोई भी चीजें क्लियर देखने के लिए. क्वेश्चन 96 कर लेते हैं, विच फिनोमिना एस्टैब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट. वह कौन सा फिनोमिना है जिसने कि लाइट का नेचर बताया था कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का है? तो आंसर है इसका, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. क्वेश्चन 97 कर लेते हैं, विच अपरेटस इज यूज टू लोकेट द सबमर्ज ऑब्जेक्ट. सबमर्ज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस अपरेटस का यूज होता है? तो आंसर इसका, सोनार अपरेटस का यूज होता है. अगर हम बात करें सोनार की, इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. यहाँ पे लिख देता हूँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है. क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं, इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन. फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कम करना है तो रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आंसर इसका, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ. देखो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, जैसे एक रेजिस्टेंस ये है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास R2, तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास R3. ठीक है फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह का. अगर हम इसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे ऐड, अगर इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज कुछ इस तरह से जोड़ेंगे हम, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया. तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस होगा ना, वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3. तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान देना कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में, कि तीनों रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो गए, मतलब रेजिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना फिर तो. बट फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारे ये कहा था कि हमें कम करना है रेजिस्टेंस को, तो हम हमेशा उसको पैरेलल में जोड़ेंगे. पैरेलल में जोड़ने का फायदा ये होगा फ्रेंड्स, देखो रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे ना, तो कुछ इस तरह से जुड़ेगा वो, ये R1 हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया, R1 R2 और ये है R3. मतलब फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का डायग्राम है. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो फॉर्मूला होगा ना, वो होगा 1/R1, 1/R2, 1+R3. इसकी जो वैल्यू आएगी ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम आएगी. इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी हमें रेजिस्टेंस अगर कम चाहिए होता है तो हम हमेशा रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं. ठीक है, ये पैरेलल सर्किट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पैरेलल सर्किट है और फ्रेंड्स ये है सीरीज सर्किट, ये वाला. ठीक है, और सीरीज में वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सिंपली ऐड होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बहुत कम आती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग इट विद. अगर गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो आंसर इसका, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. मतलब कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे और वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं, द मर्करी एंड सोडियम स्ट्रीट लैंप्स लाइट अप बिकॉज ऑफ. एंड जो मर्करी लैंप देखा होगा आपने रोड के साइड में लगा होता है, या सोडियम स्ट्रीट लैंप जो होता है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आंसर इसका, एटॉमिक एमिशन पे वर्क करता है मर्करी स्ट्रीट लैंप, या आप बोलो सोडियम स्ट्रीट लैंप. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 101 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी. जो लुमिनस इंटेंसिटी होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? तो आंसर इसका, कैंडेला जो है वो SI यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी की.
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 101 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 101 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए इसी वीडियो में। और मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का मैं टेस्ट भी रखा है, टेस्ट का आंसर फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है, पर पहले मैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है ना भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है जीके को याद करने का, ठीक है। अपने अगर वीडियो पसंद आई तो मैं वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ द फ्यूज इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट आंसर इज सीरीज विद लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, राइट आंसर इज पास्कल प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 3, सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच रिएक्शन ऑफ सन, राइट आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफॉर्मर इन is an electrical device which is used to, right answer is step up and step down the AC voltage. Question number 5, fuse wire is made of an alloy of which element, right answer is tin and lead. Question number 6, what is the frequency of direct current, right answer is 0. Question number 7, when we see an object the image form on the retina of our eyes, right answer is real and inverted. Question number 8, the spring balance works on which principle, right answer is Hooke's law. Question number 9, which phenomena is responsible for the echo of sound wave, right answer is reflection. Question number 10, why water is used in hot water bag, right answer is because water has high specific heat. Question number 11, in the absence of earth atmosphere sky would appear, right answer is black. Question number 12, what is the working principle of washing machine, right answer is centrifugation. Question number 13, name the device which is used to convert alternating current into direct current, right answer is rectifier. फ्रेंड्स आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी आई क्यू जीके पर देख रहे हो। फ्रेंड्स अगर आपने मैथ्स की कोचिंग करनी है तो हमारे चैनल पे फ्री करवाई जाती है, आपको सर्च करना पड़ेगा रवि स्टडी आई क्यू मैथ। अगर आपको फ्रेंड्स रीजनिंग पढ़नी है तो रवि स्टडी आई क्यू रीजनिंग। अगर आपको फ्रेंड्स रीजन अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सर्च मारना पड़ेगा रवि स्टडी आई क्यू इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। ये 4 चैनल है मेरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, राइट आंसर इज पारसेक। क्वेश्चन नंबर 15, कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, राइट आंसर इज इवेपोरेटिव कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर विच पर्पस डायोड्स आर जनरली यूज्ड फॉर, राइट आंसर इज रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17, द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एट सनसेट इज ड्यू टू विच फिनोमिना, राइट आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 18, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड, राइट आंसर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 19, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव इज 25:9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, राइट आंसर इज 5:3। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई द चौक इन फ्लोरोसेंट लैंप इज यूज्ड, राइट आंसर इज डिक्रीज द करंट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म, राइट आंसर इज रेड। क्वेश्चन नंबर 22, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट लाइट इज कॉल्ड, राइट आंसर इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 23, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, राइट आंसर इज मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 24, बाय विच प्रिंसिपल व्हेन द मिल्क इज चर्न विगरसली द क्रीम फ्रॉम इट इज सेपरेटेड आउट, राइट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 25, डाप्टर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, राइट आंसर इज पावर ऑफ लेंस। क्वेश्चन 26, इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम अपीयर एज, राइट आंसर इज इंफ्रारेड रेज। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन टू सेमीकंडक्टर्स ऑफ पी एंड एन टाइप आर बाउंड इन कॉन्टैक्ट दे फॉर्म पी एन जंक्शन विच एक्ट एज, राइट आंसर इज रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 28, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल, राइट आंसर इज कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 29, एट विच टेम्परेचर वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट आर सेम वैल्यू, राइट आंसर इज -40°। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, राइट आंसर इज बिकॉज इट इज डिफॉर्म्ड वेरी इजली। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं, इन रेडियो कम्युनिकेशन द सिग्नल्स एमिटेड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना आर रिफ्लेक्टेड बाय विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट आंसर इज आइनोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं, व्हाई द आउटसाइड सरफेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर जनरली लेफ्ट ब्लैक, राइट आंसर इज बिकॉज ब्लैक सर्फेस इज अ गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, राइट आंसर इज लाइट। क्वेश्चन नंबर 34, वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन लेसर टाइम बाय एडिंग अ पिंच ऑफ साल्ट व्हाइल कुकिंग बिकॉज, राइट आंसर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस. क्वेश्चन 35, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. राइट आंसर इज इट हैज नो यूनिट. क्वेश्चन नंबर 36, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर. राइट आंसर इज 10^-9 मीटर. क्वेश्चन नंबर 37, द ग्रुप ऑफ सोलर सेल ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड. राइट आंसर इज सोलर सेल पैनल. क्वेश्चन 38, व्हाट इज द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे एमिशन इज कॉल्ड. राइट आंसर इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39, क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन. राइट आंसर इज हार्मोनिक प्रेजेंस. क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई द कॉपर वायर्स आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ आयरन वायर. राइट आंसर इज कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन आयरन. क्वेश्चन 41, ऑन अ कोल्ड डे द मेटालिक cap of a pen becomes much colder than its plastic body though both are at the same temperature. Right answer is because metals are good conductor of heat. Question 42, electromagnet is constructed by which material. Right answer is soft iron. Question 43, which mirror used in motor vehicles near the driver's seat. Right answer is convex mirror. Question 44, the filament of an electric bulb is made up of which metal. Right answer is tungsten metal. Question 45, where the value of g, acceleration due to gravity, is maximum. Right answer is at poles. Question 46, every hot object emits which radiation. Right answer is infrared rays. Question 47, name the force which makes a vehicle to stop when brake is applied is called. Right answer is frictional force. Question 48, Fleming left hand rule is associated with effect of. Right answer is magnetic field on current. Question 49, at which point where total mass of body is concentrated is known as. Right answer is center of mass. Question 50, what is the total number of SI units. Right answer is 7. Question 51, why the color of ocean appears to be blue. Right answer is due to scattering of light. Question 52, where electrical charge resides on a charge conductor. Right answer is outer surface of the body. Question 53, in the visible spectrum which color has the shortest wavelength. Right answer is violet. Question 54, what is the unit of specific resistance. Right answer is ohm meter. Question 55, what is used as moderator in nuclear reactor. Right answer is graphite. Question 56, how the galvanometer can be converted into a voltmeter. Right answer is by connecting a high resistance in series. Question 57, if ice floating on water in vessels melts, the water level in the vessel will be. Right answer is does not change. Question 58, if bar magnet is cut into 3 parts, what will be the total number of poles. Right answer is 6. Question number 59, light travels in a. Right answer is straight line. Question number 60, nucleus of an atom consists of. Right answer is neutrons and protons. Question number 61, 1 barrel of oil approximately equal to how much liter. Right answer is 159 liter. Question number 62, which instrument is used to measure depth of the ocean. Right answer is fathometer. Question number 63, name the strongest force in the nature. Right answer is nuclear force. Question number 64, in which medium sound travel faster. Right answer is solid. Question number 65, why does the liquid drop tend to assume a spherical shape. Right answer is to minimize surface tension. Question number 66, the direction of magnetic field within a magnet is. Right answer is from south to north. Question number 67, phenomena of total internal reflection can occur when light passes from. Right answer is denser to rarer medium. Question number 68, electric motor converts. Right answer is electric energy to mechanical energy. Question number 69, nuclear size are expressed in which unit. Right answer is Fermi unit. Question number 70, which device is used to measure the temperature of the sun. Right answer is pyrometer. Question number 71, sudden fall in reading of barometer is an indication of. Right answer is storm. Question number 72, what type of lens is used to correct vision of a person suffering from myopia. Right answer is concave lens. Question number 73, which material is used in electric heater. Right answer is nichrome. Question number 74, addition of suitable impurities into semiconductor is called. Right answer is doping. Question number 75, why are metal are good conductor of heat and electricity. Right answer is they contain free electrons. Question number 76, nuclear fission reaction is started by impact of. Right answer is neutrons. Question number 77, on which principle transformer works. Right answer is mutual induction. Question number 78, which instrument is used to measure altitudes in aircrafts. Right answer is altimeter. Question number 79, intensity of any wave is proportional to. Right answer is square of amplitude. Question number 80, the commonly used coolant in the refrigerator is. Right answer is Freon. Question number 81, what is the unit of measurement of noise. Right answer is decibel. Question number 82,
हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड राइट आंसर इज कन्वेक्शन. क्वेश्चन नंबर 83, चॉक यूज इन अ ट्यूब लाइट इज बेसिकली राइट आंसर इज एन इंडक्टर. क्वेश्चन नंबर 84, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन राइट आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन अ शिप एंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन शिप राइट आंसर इज इट राइजेस अ लिटिल. क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ स्टार राइट आंसर इज टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 87, हर्ट्ज इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स. क्वेश्चन नंबर 88, फ्यूज वायर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल राइट आंसर इज लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 89, अ बॉम्ब एक्सप्लोड ऑन द मून वी हियर इट्स साउंड ऑन द अर्थ आफ्टर हाउ मच टाइम राइट आंसर इज वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन. क्वेश्चन नंबर 90, व्हाई द सन अपीयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट राइट आंसर इज बिकॉज ऑल अदर कलर स्कैटर्ड अवे एक्सेप्ट रेड. क्वेश्चन 91, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स इन राइट आंसर इज बैटरी. क्वेश्चन नंबर 92, वर्किंग ऑफ एटम बम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल राइट आंसर इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 93, ऑन विच प्रिंसिपल द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन ऑप्टिकल फाइबर राइट आंसर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्वेश्चन नंबर 94, 0 degree केल्विन इज इक्विवेलेंट टू राइट आंसर इज -273 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 95, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन ऑफ ह्यूमन आई इज राइट आंसर इज 25 centimeter. क्वेश्चन नंबर 96, विच फिनोमिना इस्टेब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट राइट आंसर इज पोलराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 97, विच एपरेटस इज यूज टू लोकेट द सबमर्ज ऑब्जेक्ट राइट आंसर इज सोनार. क्वेश्चन नंबर 98, इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन राइट आंसर इज पैरेलल. क्वेश्चन नंबर 99, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग इट विद राइट आंसर इज हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज. क्वेश्चन नंबर 100, द मर्करी एंड सोडियम स्ट्रीट लैंप्स लाइट अप बिकॉज ऑफ राइट आंसर इज एटॉमिक एमिशन. क्वेश्चन नंबर 101 एंड अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी राइट आंसर इज कैंडेला. फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 101 क्वेश्चंस करवाए. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में. फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 101 क्वेश्चंस करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने दो क्वेश्चन का टेस्ट रखा है. दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना फ्रेंड्स, जिससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा. पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल. मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, न्यूटन्स प्रिंसिपल. सेकेंड ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, पास्कल प्रिंसिपल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी. ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, कैंडेला. सेकेंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ, ओम. फ्रेंड्स, आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके जरूर बताना है. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की. मतलब फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब फ्रेंड्स, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. फ्रेंड्स, अगर आपने मैथ्स की कोचिंग करनी है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बिल्कुल सेपरेट चैनल बनाया है मैथ्स के लिए. आपको फ्रेंड्स यूट्यूब पे सर्च करना है, रवि स्टडी IQ मैथ्स. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे GK का था ना, रवि स्टडी IQ GK, आपने बस चेंज करना है लास्ट वाला, वहाँ पे आपने मैथ्स लिखना है. ठीक है, अगर आपने फ्रेंड्स रीजनिंग पढ़नी है तो आपको सर्च मारना है रवि स्टडी IQ रीजनिंग. और अगर आपने फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़ना है तो आपको सर्च मारना है रवि स्टडी IQ इंग्लिश. मतलब फ्रेंड्स ये चार चैनल हैं. अगर फ्रेंड्स आपने इस चार चैनल को अच्छे से फॉलो कर लिया फ्रेंड्स, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी फ्रेंड्स, और आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो सबसे जल्दी लगेगी. ठीक है फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल आपको एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई फालतू का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.